तब जब किसान मजदूर का बेटा फौजी बनने का सपना लेता है, उस सपने को सच करने की ताकत ईश्वर देता है। काय के लिए आए दादा? मिलने के लिए आया सर आपसे। क्यों मिलना है भैया? बता। दोस्ती करना है। क्यों? फौजी बनना है। अरे सलूट कर लेते हो? करो। कैसे किया है सलूट? जय हिंद। तो बन जाओगे यार। और क्या क्या करना पड़ता है फौजी बनने के लिए? ट्रेनिंग। क्या क्या ट्रेनिंग में करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। और बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ में क्या क्या बताओ ना। दौड़ना हो गया, और बॉडी बढ़ाना पड़ता है। बॉडी बढ़ानी पड़ती है। और बताओ, बॉडी कैसे बढ़ाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बीम। और क्या करना पड़ता है? ऊपर से कूदते हैं। हाँ, ऊंची कूद करनी पड़ती है। और बताओ, ट्रेनिंग पूरी हो जाती फिर फौजी बन जाता है। फिर क्या करता है फौजी बनने के बाद आदमी? गोलियां चलाता। किसके ऊपर? दुश्मनों के ऊपर। कौन से लोग होते हैं दुश्मन? कौन होते हैं? आतंकवादी। और मानते नहीं है तो दूर चलाना पड़ता है उनको। फौजी को अगर गोली लग गई तो क्या होता है? शहीद हो जाता है। अरे फिर क्या होता है जब शहीद हो गया कोई? रोना पड़ता है। अच्छा, क्यों रोते हैं अपन लोग? बच्चा ले जाती है। जो बहुत अच्छा लगा आपसे दोस्ती करके, इसलिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट। जय हिंद। तो बहनें कितनी हैं? दो। तुम फौज में चले जाओगे तो फिर बहनों की देख रेख कौन करेगा? छुट्टी में आया करोगे। अच्छी मेहनत करो, ठीक है? वेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फौज में जाओ, इतना अच्छा तुम्हारा उत्साह बना रहे, बहुत बढ़िया, गुड लक, ठीक है? तब जब किसान मजदूर का बेटा फौजी बनने का सपना लेता है, उस सपने को सच करने की ताकत ईश्वर देता है। काय के लिए आए दादा? मिलने के लिए आया सर आपसे। क्यों मिलना है भैया? बता। दोस्ती करना है। क्यों? फौजी बनना है। अरे सलूट कर लेते हो? करो। कैसे किया है सलूट? जय हिंद। तो बन जाओगे यार। और क्या क्या करना पड़ता है फौजी बनने के लिए? ट्रेनिंग। क्या क्या ट्रेनिंग में करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। और बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ में क्या क्या बताओ ना। दौड़ना हो गया, और बॉडी बढ़ानी पड़ती है। और बताओ, बॉडी कैसे बढ़ाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बीम। और क्या करना पड़ता है? ऊपर से कूदते हैं। हाँ, ऊंची कूद करनी पड़ती है। और बताओ, ट्रेनिंग पूरी हो जाती फिर फौजी बन जाता है। फिर क्या करता है फौजी बनने के बाद आदमी? गोलियां चलाता। किसके ऊपर? दुश्मनों के ऊपर। कौन से लोग होते हैं दुश्मन? कौन होते हैं? आतंकवादी। और मानते नहीं है तो दूर चलाना पड़ता है उनको। फौजी को अगर गोली लग गई तो क्या होता है? शहीद हो जाता है। अरे फिर क्या होता है जब शहीद हो गया कोई? रोना पड़ता है। अच्छा, क्यों रोते हैं अपन लोग? बच्चा ले जाते। जो बहुत अच्छा लगा आपसे दोस्ती करके, इसलिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट। जय हिंद। तो बहनें कितनी हैं? दो। तुम फौज में चले जाओगे तो फिर बहनों की देख रेख कौन करेगा? छुट्टी में आया करोगे। अच्छी मेहनत करो, ठीक है? वेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फौज में जाओ, इतना अच्छा तुम्हारा उत्साह बना रहे, बहुत बढ़िया, गुड लक, ठीक है?